हमारा फोर्थ कैटेगरी जो है लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके तरफ, उसमें हमारा जो होगा वो इसके बाद फेमस जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा टू डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम या नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम। जब हम नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम बोले, कैटेगरी फोर है हमारा, ये कैटेगरी फोर या टाइप फोर, इसमें तो बहुत सारा आता है नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम में। उस नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम में हम अभी जो बात करेंगे वो टू डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम बात करेंगे, उसके पहले बेसिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसको कर रहे होंगे, तो नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्पेशली टू डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, टू डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम पहले इसको कर लेते हैं। उसके बाद आसान आसान नंबर रिलेटेड भी होता है कि दो नंबर है, दो नंबर क्या है नहीं बताएगा वो, बस दो नंबर है आप एक्स वाई मान रहे होंगे, उसमें ये उसका जोड़ दिए तो ये चीज़ आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये चीज़ आ गया, तो आप बताइए कि दोनों नंबर क्या। खैर आएंगे तो टू डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टू डिजिट का नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब भी हम टू डिजिट नंबर बोले मतलब उसमें दो डिजिट होगा। डिजिट किसको बोलते हैं, जीरो से नाइन तक जो मैथमेटिक्स में सिंबल है जीरो से नाइन, उन्हीं को हम बोला जाता है क्या चीज़, मैथ में डिजिट। जैसे अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश में ए टू जेड, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो अल्फ़ाबेट है एक तरह से जो सिंबल है उसको हम डिजिट बोल रहे होते हैं। टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे नाइन तक, और टेन जहाँ आ जाता है टेन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टू डिजिट नंबर, टेन एलेवन ट्वेल्व ऐसे करते 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 कहाँ जाता है नाइन्टी नाइन तक, हंड्रेड आ गया तो हंड्रेड में तीन डिजिट हो रहे होते हैं। ये सारा जो हो गया टेन से नाइन्टी नाइन तक टू डिजिट का नंबर होगा। ओके, कोई भी जो नंबर हम लोग लिखते हैं इसमें एक हम लोग सिस्टम एक है जिसके हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 398 लिखा हुआ, तो इसका ये वाला चीज़ जो है ये हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लस, यूनिट प्लस, ठीक है। इसको बोला जाता है टेंस प्लस, इसको हंड्रेड प्लस, और आगे बढ़ता है तो थाउजेंड प्लस। अगर सिर्फ टू डिजिट का बात कर रहे हैं, जैसे 98 है जो कि एक टू डिजिट नंबर है, 398 थ्री डिजिट का हो गया, टू डिजिट में 98 है। ये 98 कैसे हम लोग पढ़ते हैं, 90 और 8 ऐसे ना प्रोनाउंस होता है, 90 प्लस 8 98, 98 हम लोग जो पढ़ते हैं। कोई भी जो नंबर है तो बस ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो जब हमारे पास कोई टू डिजिट नंबर दिया हुआ है और अगर हमको नहीं दिया हुआ है तो हम खुद बनाएंगे, तो उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर फिर से देखिए 77 क्या पढ़े हम, 70 और प्लस में 7, ठीक है, ये क्या चीज़ हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो ये रहा है 78 प्लस 8, कि हमारा जो ये यूनिट प्लेस था, यूनिट मतलब क्या होता है वन, और टेंस मतलब क्या होता है टेन, तो इस वाला ये जो नंबर बना वो इसी तरह से बना है। सिर्फ एकदम बेसिक में बात बता रहा हूँ, हम लोग जूनियर क्लासेस में नर्सरी एलकेजी यूकेजी में या वन क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ में बता रहा हूँ। तो 8 इंटू वन वंस प्लेस पे है या यूनिट प्लेस पे है, तो 8 इंटू वन और उसके साथ साथ वन की मल्टीप्लाई किए वंस प्लेस पे, इसलिए टेंस प्लेस पे 7 है तो 7 इंटू 10 और प्लस में 8, ये दोनों मिलके क्या बना दिया 70, 7 इंटू 10 70 और 8। उसी तरह से 77 है तो 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 10 70। अगर हमारे पास 98 है तो 99 टेंस वाले प्लेस पे कौन है 9, तो 9 इंटू 10, और 8 वाले प्लेस पे कौन है यूनिट वाले प्लेस पे कौन है 8, तो 8 इंटू 1 98। अगर हमारे पास 64 रहता है तो इसमें ये 4 वंस प्लेस पे है यूनिट प्लेस पे है, तो 4 इंटू 1, ये 6 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 6 इंटू 10, ये दोनों को जोड़ दिया तो 60 और 4 क्या हो गया 64। अगर इसी तरह से आपको कोई बोला है कि टू डिजिट का नंबर है, आप मानिए अपने हिसाब से टू डिजिट का मानिए, तो वहाँ एक इंपोर्टेंस होगा यूनिट प्लेस का और टेंस प्लेस का। अभी तक जो हम मान रहे थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, पर यहाँ एक इंपोर्टेंस होता है, ठीक है। थ्री डिजिट का भी प्रॉब्लम वाला होता है, अगर क्लास 8 पढ़ें प्लेइंग विद नंबर तो उसमें थ्री डिजिट वाला क्वेश्चन था, पर यहाँ आपको नहीं दिखेगा तो टू डिजिट वाले पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो टू डिजिट वाले पे पहला चीज़ क्या है कि हमको अगर दिया रहेगा कि लेट डिजिट फॉर ए टू डिजिट नंबर, किसी टू डिजिट नंबर के लिए, टू डिजिट नंबर के लिए क्या क्या होगा, तो आंसर है सिंपल टू डिजिट होगा। टू डिजिट नंबर है तो दो डिजिट होगा, ठीक। तो टू डिजिट नंबर है तो डिजिट उनके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे एक्स होगा, और टेंस प्लेस पे डिजिट ऑन टेंस प्लेस वो क्या होगा वाई होगा। ये ऐसे लिखना है क्यों जो नहीं, सिंपली लिख जाते हैं एक्स वाई, यही तो दिक्कत है। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसका अपना वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे देखिए 60 और 4 है, अगर हम इस दोनों को अदला बदली कर देते यानी 4 के जगह 6 और 6 जगह 4 यानी ये 4 6, तो क्या ये दोनों नंबर सेम रहता, नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे टेंस प्लस पे 4 आ गया तो 4 इंटू 10 40 हो गया, और 6 वन प्लस आ गया तो 6 इंटू 1 60 हो गया, और इसको हम लिख क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 46 ना कि 64। तो सिर्फ अगर यूनिट और टेंस प्लस बदल जाता है इन दोनों का, क्या किया मैंने 4 को आगे ले गया 6 को पीछे, ठीक है, यानी जो यूनिट प्लस पे था उसको टेंस पे, टेंस वाले को वंस पे, तो इतना ज़्यादा अंतर आ गया 64 से 46 हो गया। तो इसीलिए इनका जो, अगर हमारे पास ये चीज़ दिया हो, अगर हमको बोलेगा कि टू डिजिट नंबर क्या होगा,
तो कोई कोई सीधा बताया टू डिजिट नंबर हो जाएगा एक्स वाई, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? एक्स वाई दो नंबर माने हैं, एक्स और वाई नहीं। इसका यही मतलब हो गया कि आपको दो डिजिट नंबर आप 7-8 माने हैं और 7-8 हो गया, 7-8 ऐसे चिपका दिए, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, ठीक। कैसे करेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 7 और 8 को, 56 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे जब टू डिजिट नंबर का बनाना होगा तो वही आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या चीज़ किए थे हम। जब टू डिजिट कोई नंबर था तो उसमें जो टेंस प्लेस पे होता था उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे। 40 है, 40 कैसे है, 4 × 10। 60 कैसे बनाइए, 64 में 60 कैसे बनाए, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, ये वाई वाला जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और जो फर्स्ट वाला यूनिट प्लेस पे जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। या नहीं भी आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा बन गया 10y + x, ये हमारा अभी हमारा नंबर बन गया। मान लीजिए कि यूनिट प्लेस पे रहा था वाई और टेंस प्लेस पे रहा था एक्स, यही हो गया हमारा टू डिजिट नंबर, यही। अब अगर कंडीशन उल्टा कर देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन दिया रहेगा अक्सर में कि रिवर्स कर दिए ऑर्डर, ठीक है, इसका क्या मतलब है ऑर्डर रिवर्स कर दिए, ऑर्डर रिवर्स कर दिए मतलब वंस वाला टेंस पे चला गया, यानी यूनिट वाला टेंस पे चला गया और टेंस वाला यूनिट प्लेस पे। तो अगर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो यूनिट प्लेस पे है उसको बदल दीजिए टेंस प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पे है उसको बदल दीजिए यूनिट प्लेस पे। उससे क्या इफेक्ट होगा मैं आपको सीधा सीधा नंबर से दिखा दिया हूँ, सीधा ही नंबर उलट जाएगा। 42 होगा तो 24 हो जाएगा, 42 से 24। इसका मतलब है कि अब यूनिट प्लेस पे अगर एक्स था तो यूनिट प्लेस पे अब वाई आ जाएगा, यूनिट टेंस प्लेस पे अगर हम वाई माने थे तो टेंस प्लेस पे एक्स हो जाएगा। अब नंबर क्या दिखेगा, अब वाई एक्स दिखेगा, नहीं वाई एक्स नहीं दिखेगा, अब क्या दिखेगा, तो अब टेंस प्लेस पे कौन है, एक्स है, तो 10 × x, और वंस प्लेस पे कौन है या यूनिट प्लेस पे कौन है, वाई है, तो वाई इंटू वन। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, 10x + y, ये हो गया हमारा नंबर, ये हो गया अब टू डिजिट का नंबर, ठीक है, टू डिजिट का नंबर अब ये हो गया, ठीक, ऐसे, ओके। तो यही था नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें भी स्पेशली टू डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम। टू डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको ये चीज़ फोकस करना रहता है कि टू डिजिट का कोई नंबर है तो उसका क्या मतलब क्या है, ठीक है, उस टू डिजिट का इंपॉर्टेंस है क्या, उसको कैसे भी लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो आप यहाँ से फील किए। अब इस पर डिपेंडेंट कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैं कोशिश करूँगा सारा करवा दूँ और सारा कर ही रहे होंगे हम लोग। अब ये जो टू डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मुझे दो एनसीईआरटी में दिखा है, एक एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 56 पे जो आपको 3.4 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। खैर चलते हैं एग्जाम्पल 13 पे। एग्जाम्पल 13 बोल रहा है कि सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन, द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब ऊपर से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्या है, किसका सम है ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्या बोला, सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर मतलब एक टू डिजिट का नंबर है उसका सम, किससे, सम तो होगा किसी के साथ ना, क्योंकि कभी किसी चीज़ को प्लस करते हैं तो कोई दूसरा चीज़ होता ही है, हाँ होता है। वो दूसरा चीज़ यहाँ क्या है, तो बोला सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट, वो नंबर जो ऑप्टेन हुआ है, प्राप्त हुआ है आपको, कैसे रिवर्स करके। तो अब मुझे उम्मीद है आपको पीछे जो मैंने कंसेप्ट है उसमें बताया है कैसे आप रिवर्स करके प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग मान लें कि लेट नंबर, लेट डिजिट, कोई नंबर है उसके लिए डिजिट होना चाहिए, टू डिजिट का नंबर है, लेट डिजिट ऑन यूनिट प्लेस एक्स है, आप वाई भी मान सकते हैं एक्स है, और डिजिट ऑन टेंस प्लेस वो वाई है। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, तो हमारा नंबर टू डिजिट नंबर जो होगा वो बन जाएगा, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो वंस प्लेस पे है या यूनिट प्लेस पे है उसको सिर्फ 1 से। तो ये हो जाएगा 10y + x, ये हो गया टू डिजिट का नंबर, ओके, ये हो गया टू डिजिट का नंबर, ठीक। देन फिर टू डिजिट नंबर का जब ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको बोला है कि इसको आप सम करोगे उस नंबर से जो इसको रिवर्स करने में प्राप्त होगा, मतलब ये 10y + x है, जब हम टेंस वाले पे x दे देंगे, अभी y है ना, x दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10x और y 10x + y, तो इस दोनों को सम करेंगे तो 66 आएगा। तो खैर तो हम लोग आते हैं उस वाले पे, तो नंबर व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, जब डिजिट को पलट दिया जाता है तो क्या होगा, रिवर्स, तो होगा ये कि हमारा यूनिट प्लेस पे जो x था तो यूनिट प्लेस पे हो जाएगा वाई, जैसे 64 हो गया था, क्या 64 था, वो क्या बन गया था 46, क्योंकि इसको यहाँ ले आए इसको यहाँ, खैर तो यूनिट प्लेस हो जाएगा जो x था वो हो जाएगा वाई, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस हो जाएगा x, टेंस प्लस में डिजिट जो हो जाएगा जो एक्स, इससे जो टू डिजिट का नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो सिंपल है, टू डिजिट का नंबर जो इससे बनेगा वो बनेगा 10x और प्लस में y। क्या बोला जा रहा है, इस दोनों का सम अगर करें, यही चीज़ बोला जा रहा है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, ये हो गया टू डिजिट नंबर, एंड द नंबर, ये नंबर, द नंबर कैसे ये नंबर प्राप्त हुआ है,
ऑर्डर को रिवर्स करके, इस दोनों को रिवर्स करके, ठीक है, यूनिट वाला को 10 पे, 10 वाला को यूनिट पे, तो आया है हमारा क्या चीज़, 66। उसी तरह से जैसे इस दोनों को ऐड कर देते, अब बोलेंगे इस दोनों का तो 3 डिजिट में आंसर चल जाएगा, कुछ हो जाएगा 4 6 10 6 4 10, ठीक है 1100 के लगभग चला जाएगा। छोड़े ना इसको, मान लीजिए 24 रहता, ये नंबर 24 है, 2 और 4 है, और इसको उल्टा किया तो 42 हो गया, तो इस दोनों को ऐड करके क्या होगा, 66 ये आ गया, शायद आंसर ही नहीं हो जाए ये, खैर मैंने अपने मन से लिया ये, खैर जो भी हो अगर आंसर निकालने वाले भी नहीं है, तो 2 डिजिट का नंबर है 24 ही है, एग्जांपल में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 24 ही है, चलो मेरे मन में आ गया। तो इस दोनों का अगर सम कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से सम अगर करते हैं तो सम करने पे कितना आता है 66। सम मतलब ये वाला जो नंबर था 2ny + x, इसे साथ जोड़ देते हैं क्या चीज़, 10x + y, इस दोनों नंबर को अगर सम कर दिए, दोनों अलग अलग नंबर है जिनका ऑर्डर रिवर्स है, दोनों को जो 10x + y, इस दोनों नंबर को अगर सम कर दिए, दोनों अलग अलग नंबर है जिनका ऑर्डर रिवर्स है, दोनों को जोड़ दे तो 66। सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, देखें 10y और 1y 11y हो जाएगा, x और 10x हो जाएगा 11x इक्वल टू 66। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, अगर 11 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा y + x या x + y लिख सकते हैं इक्वल टू 66, और यहाँ से x + y या y + x 11 इधर ले आएंगे तो 66/11 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x + y इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट, पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक और इक्वेशन आपको मिलेगा, उसके लिए आप आगे का सेंटेंस पढ़िए। इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, अगर डिजिट जो है नंबर का वो 2 से डिफर रख रहा है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आपके पास जो डिजिट होंगे उनके बीच में दो अंतर होगा। देखिए दो इक्वेशन का जरूरत ही होगा, जितना वेरिएबल होता है, मैं पिछले भी जो क्लासेस हो चुका है लीनियर इक्वेशन पे, पॉलीनोमियल पे, मैं बताता रहा हूँ कि आपको जितने वेरिएबल वाले होते हैं इक्वेशन, उतना ज़्यादा आपको इक्वेशन का जरूरत होता है। मतलब यहाँ पे जैसे दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो इसमें दो इक्वेशन का जरूरत होगा सॉल्व करने के लिए, तो वही दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा कि डिजिट जो है उसके बीच में अंतर 2 है। तो डिजिट था कौन कौन, एक एक्स था एक वाई था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, x - y = 2। क्या y - x लिख देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी वही होगा, ठीक है, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि बोला है डिफर बाय 2। ये नहीं बोला कि x - y या unit + -10+, सीधा बोला है डिजिट डिफर बाय 2, तो हम x - y = 2 लिख दिए, या y - x भी 2 लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन हो गया, एक ये, और अब इससे आप आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देख सकते हैं, 2 का थर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोला कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहाँ बोला है क्या चीज़, देखिए सम ऑफ डिजिट्स किसका डिजिट, वही 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें x और y मान रहे, उस दोनों का सम, इसमें नंबर का नहीं बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स को आपको ऐड करना है। इसे वही मान लेंगे, लेट डिजिट ऑन यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y, मैंने तरीका भी बता ही दिया, वंस प्लेस और टेंस प्लेस को हम लोग एक्स वाई मान लेंगे, दोनों में से किसी को एक्स और वाई, और उसके बाद हम लोग उसी तरह से प्रोसीड कर रहे होंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, और डिजिट्स ऑन टेंस प्लेस उसको मान लेंगे भाई, तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 2 डिजिट का नंबर जो है वो बन जाएगा कुछ इस तरह का, 10y, टेंस प्लेस पर 10 है, वाई है तो 10y 10y और एक्स। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स क्या है एक्स और वाई, इस दोनों को अगर सम कर देते हैं, ये नहीं सम का मतलब जोड़ देना, सम कर दिए तो क्या होता है 9 आता है, जैसे मान लीजिए 3 6 होगा, ठीक है 2 7 होगा, कुछ होगा जो हो 72 हो, अगर 6 और 3 रहता है तो हो सकता है 63 हो या 39 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या बोल दिया ये बोला ये है, सिंपल सा क्वेश्चन में चीज दिया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर अभी आपके पास आया ना, ये नहीं, ये तो डिजिट, ये जो नंबर आया 10y + x, इसका अगर 9 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब यहाँ इक्वल होता है, क्या है ट्वाइस है किसके, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर से जो हमारा नंबर मिलेगा से नंबर ऑब्टेंड क्या हो जाएगा, देखिए वो करा ही चुका हूँ पीछे भी, तो जो x था वो यूनिट पे था वो टेंस पे चलाएगा तो 10x हो जाएगा, जो यहाँ पे y है टेंस प्लस पे वो यूनिट पे चला गया तो 10y की जगह सिंपली y हो जाएगा तो 10x + y। यही बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मतलब ये नंबर इज इक्वल 2 टाइम्स यानी ट्वाइस, कौन नंबर, जो नंबर जो ऑब्टेंड होता है, प्राप्त होता है कैसे, उल्टा करके डिजिट को रिवर्स करके, तो ये हो जाएगा 10x + y। आप आराम से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन तो बन गया, दूसरा इक्वेशन ये 9 × 10 हो जाएगा 90y, 9 × x हो जाएगा 9x, 2 × 10 हो जाएगा 20x, 2 × y हो जाएगा 2y। अब सारे जो एक जैसे वेरिएबल है या वेरिएबल है उसको एक साथ ले आइए, कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड, कॉन्स्टेंट यहाँ है कुछ नहीं दिखा, तो इसको इधर ले आते हैं तो 90y - 2y
प्लस में 9x माइनस में 20x, ओके ये कैसा बन गया, तो 90y माइनस 2y हो जाएगा कितना आपको 88y, 9 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस में 11x इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गया आपको, आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, अगर आप 11 ले लेते हैं कॉमन, तो 11 अगर ले लेंगे तो 8y माइनस x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 8y माइनस x इस 11 को इधर ले जाएंगे तो 0 बाई 11 यानी 0 ही होता है। दूसरा आपके पास इक्वेशन आ गया 8y माइनस x इक्वल टू जीरो। चलिए इस कैटेगरी में जो कि था कि नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, फोर्थ कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसमें टू डिजिट वाला मैंने पूरा खत्म कर दिया जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, वैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम का कमी नहीं है, अनलिमिटेड है, उसमें जो कंसेप्ट था और इससे बेस्ड एक दो क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम में, ये कैटेगरी फोर का ही है, कुछ और भी होता है जिसमें डायरेक्ट नंबर रहता है, उसको हम लोग देख लेते हैं नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम का ही एक दो और क्वेश्चन। जैसे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही आप देखिए, यहाँ नंबर रिलेटेड है, बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब नंबर रिलेटेड यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ऑपरेशन होगा उसमें, यानी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अप रेशियो या हो सकता है रेसिप्रोकल टाइप। तो मैं दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, एक एनसीईआरटी का और एक कहीं बाहर से लेके। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आप देखेंगे तो बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो नंबर, तो वही मान लेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर एक्स है कोई भी हो, फर्स्ट नंबर ये बोल सकते हैं, वन नंबर ही बोल सकते हैं, वन नंबर ये एक्स एंड अदर नंबर वाई, अदर नंबर वाई डी वाई। अब अगर वो टू डिजिट थ्री डिजिट नहीं दिया है तो उतना माथा लगाने का आपको जरूरत नहीं है कि 10xy होगा जो होगा। तो यहाँ बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, अब कोई भी यहाँ एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा। ठीक है, अगर एक्स बड़ा होगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब बड़ा में से छोटा घटा होगा, या अगर वाई बड़ा रहता तो वाई माइनस एक्स लिखते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप चिंता नहीं कीजिए, आप सीधा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा, इतना ही पे बस कहानी खत्म। दूसरा बोल रहा है वन नंबर, एक नंबर है मान लीजिए, एक नंबर है एक्स, वन नंबर तीन गुना है दूसरे नंबर के 3y के बराबर, क्या हम y इक्वल टू 3x नहीं लिख सकते थे, ऑब्वियसली लिख सकते थे आपके मन पे, यहाँ भी आप y माइनस एक्स इक्वल टू 26 लिख सकते। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गया, इस दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों वेरिएबल को इधर लिए, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बन गया, इस दो इक्वेशन से आराम से आप कोई भी मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर रिलेटेड फर्स्ट वाला। उसी तरह से एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि सम ऑफ टू नंबर इज 16, सम ऑफ टू नंबर कोई दो नंबर है वो 16 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल उनके रेसिप्रोकल का सम जो है रेसिप्रोकल इज 1/2 है, तो फाइंड कीजिए नंबर को। तो मान लेंगे फिर से कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई है, तो उसने बोला है क्या कि सम ऑफ द टू नंबर यानी एक्स और वाई का सम करेंगे तो वो आएगा आपका 16, लिख दिया 16, और उनके रेसिप्रोकल, अब इस वाले नंबर का एक्स का रेसिप्रोकल कितना है, रेसिप्रोकल मतलब उस चीज़ का वो चीज़ डिवीजन में चल जाता है वन के, सिंपल सी बात है। रेसिप्रोकल क्या होता है, वो नंबर जिसके साथ पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आता है, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप बोलते हैं। तो क्या एक्स का 1/x होता है और वाई का 1/y, तो बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब उनके रेसिप्रोकल का अगर सम कर दे तो आता है 1/2। अब फाइंड कीजिए नंबर को, बहुत आसान है, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 आ गया। अब 1/x और 1/y भी इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब सिंपल से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू, एक्स वाई अगर एलसीएम ले लेते हैं तो इसमें आप जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स लीजिए इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2 × x + y यानी 2x + 2y इक्वल टू एक्स वाई। और इस तरह से आप जाके सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से किसी भी मेथड से, ठीक है। अब 1/x को पी वाई पी क्यू या ए बी करके भी मान सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप इक्वेशन को रिड्यूस करके जो 1/x 1/y रहता है वैसे करके, और उसमें दिक्कत ये हो जाएगा फिर आप अगर 1/x को पी मानते हैं तो x को क्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हो पर इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से निकल सकता है, अगर आपको नहीं बने तो आप भी मैसेज कीजिएगा और मैं सिंपली कमेंट कीजिएगा, मैं आराम से उसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। इसमें से कोई भी आपको अगर दिक्कत पहुँचाए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जरूर जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर रिलेटेड, ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम में। एक और क्वेश्चन देखिए, तो उसमें है अगर मान लीजिए दिया कि सम ऑफ टू नंबर दो नंबर का सम जो है वो आपका 1000 है और डिफरेंस है उन दोनों के बीच में बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर वो दिया 256, तो उस नंबर को फाइंड कीजिए। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं लेट नंबर बी एक्स एंड वाई, नंबर जो होगा वो होगा एक्स और वाई, उस दोनों नंबर का बोला है सम जो है वो 1000 है, तो सम लिख दिया 1000 और डिफरेंस जो है वो है 256, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256। अब आराम से आप जानते हैं कैसे निकाल लेंगे, दो इक्वेशन आपका मिल गया तो उसे सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान होता है, आई होप आपको निकालेंगे इसको। चलिए